नमस्कार दोस्तों, हमने आपको तमुरिया और घोघाडीहा के बीच चिकना की वस्तुति दिखाई, वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया कि कितना काम हुआ है चिकना हॉल्ट पर। आज बात करेंगे नेमुआ की और चलेंगे चिकना से नेमुआ के बीच और आपको दिखाएंगे कि चिकना और नेमुआ के बीच कितना काम हुआ है ट्रैक पर कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। लेटेस्ट ताज़ा रिपोर्ट है, ज़रूर देखिएगा क्योंकि यही स्ट्रेच है जो अगला टारगेट है तमुरिया के बाद। और यह सफ़र की शुरुआत होती है चिकना से नेमुआ की तरफ और इस सफर की शुरुआत की हमारे सहयोगी मुकुंद ठाकुर ने। जी हाँ दोस्तों, और वो मुकुंद ठाकुर के बारे में आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि वो साइकिल से इस रास्ते को ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए, साइकिल से वो कैमरे को चलाते हुए वो पूरे ट्रैक के किनारे से दौड़ लगा रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको किस तरह से ट्रैक बीत चुका है नेमुआ और चिकना के बीच में। और वो दिखा रहे हैं कि जो है वो कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। तो देखिए, ये रिपोर्ट देखिए, देख सकते हैं मैं अभी पुल के ऊपर में खड़ा हूँ, कितना नीचे गहरा है, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तो इसीलिए मैं आपको उधर पार होके, वो देखिए चिकना की तरफ लाइन गई हुई है, वो देख सकते हैं आप मेरे हाथ की साइड में, वो चिकना की तरफ गई है। और इधर स्टेशन बन रहा है नेबुआ का, वो आप लोगों ने जरा मिट्टी का काम हुआ है, चलिए इधर भी हम लेके चलेंगे। तो आपने देखा किस तरह से चिकना से नेमुआ के बीच में ट्रैक बीत चुका है, लेकिन जो पुल बना है, पुल बनने में उसमें आधा अधूरा पुल है। पुल का बेस तैयार कर दिया गया है लेकिन इस पर अभी ट्रैक और रेलिंग तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर के पुल पर पटरी का काम बचा हुआ है। तो साफ साफ तस्वीरों में नज़र आ रहा है ये चिकना और नेमुआ के बीच की तस्वीर है। ट्रैक बीत चुका है, कई जगहों पर ट्रैक बीत चुका है, लेकिन पुल की वजह से मालगाड़ी यहाँ नहीं आ पा रही है, इसलिए पुल का जो है वो काम अधूरा है और पुल को का काम करने की सख्त ज़रूरत है और इसको हमने दिखाया है आपको। इतना ही नहीं, कई जगह पर जो है पुल जो है उसका अप्रोच भी तैयार नहीं है, इस लिहाजा कुछ जगहों पर ज़्यादा अर्थवर्क करने की ज़रूरत है। कुछ जगहों पर गड्ढे खुदाई किए गए हैं पुल बनाने के लिए और कुछ जगहों पर जो है वो बहुत ही शुरुआती स्टेज में काम है। तो कुल मिलाकर के पुल को ही लेकर के काम फंसा हुआ है और बाकी ट्रैक को जो है बाकी जगहों को पूरा कर लिया गया है। तो इन पुल को पार करके, पैदल पार करके फिर जो है रवाना हुए हम आगे नेमुआ की तरफ और ये दिखाना चाहते थे कि नेमुआ पर कितना काम हुआ है। नेमुआ पहुंचना लक्ष्य था और चिकना से नेमुआ के फिर साइकिल पर सवार हुए मुकुंद ठाकुर और फिर यहाँ से दौड़ लगाई उन्होंने और साथ के साथ शूट भी करते रहे कैमरे से। तो ये उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने इस वीडियो को बनाया है। ये देखिए किस तरह से ये नेमुआ की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं अभी तमुरिया तरफ जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है जो कम से कम मैं आप लोगों को नेबुआ तक पहुँच के दिखाऊँ। आगे जितना हो सके, मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं आगे भी जाऊँगा, लेकिन मैं नेबुआ तक ज़रूर आपको दिखाऊँगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये ट्रैक नेमुआ होते हुए तमुरिया को जोड़ता है और इसमें बीच का जो स्ट्रेच है उसको ऊंचा किया गया है, ऊंचा मिट्टी करके ऊंचा किया गया है। उसके बाद इस पर जो है स्लीपर और पटरी बिछा दी गई है। तो स्लीपर और पटरी बिछा दी गई है, ये साफ साफ दिख रहा है। और लेकिन जो पुल के कारण है वो काम बचा हुआ है और मालगाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, यानी ब्लास्ट का काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए पुल का काम बहुत अहम है और वो बचा हुआ है जबकि ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। तो ये तस्वीर है चिकना और नेमुआ के बीच। तो अब आगे हम आखिर पहुंच गए नेमुआ और ये देखिए वो नेमुआ की वो पुरानी यादें, नेमुआ हॉल्ट है ये, वही वो चेयर रखा हुआ है जहाँ कभी यात्री बैठा करते थे, ये वो पुरानी यादें हैं जो आपके सामने नजर आ रही है। ये देखिए नेबुआ स्टेशन का बोर्ड, जो पुराना बोर्ड लगा हुआ था उस पर नेबुआ लिखा हुआ है, उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये वही पुराना बोर्ड है नेबुआ स्टेशन का। नेमुआ हॉल्ट का पुराना भवन भी यहाँ दिखा, हालांकि अब इसका इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि नया भवन बनाया जा रहा है, ऊंचा भवन होगा, तो इसलिए ये अब यादों में ही रहेगा। लेकिन इधर आपको तीर का निशान नज़र आ रहा होगा जो कि चिकना की तरफ गया हुआ है और उधर यही वो पुराना भवन कार्यालय जिसमें स्टाफ लोग रहता था नेमुआ।
यही वो नेबुआ का फॉल्ट है, अब नया आगे उधर बनाया जा रहा है। ये वो वही पुराना फॉल्ट है, यही पे लोग यात्री इंतज़ार करते रहते थे। ये देख सकते हैं नेमुआ फॉल्ट, इस पे लिखा हुआ है। तो आपने भवन देखा, वो पुरानी यादें देखी, अब नई चीज़ देखिए क्या हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये मिट्टी का काम हो रहा है, एक तरफ प्लेटफॉर्म एक तरफ ट्रैक, और इस तरीके से ये मिट्टी का काम हो रहा है, मिट्टी भरा जा रहा है, और मिट्टी जब लेवल में कर दिया जाएगा उसके बाद उसको समतल किया जाएगा, बराबर किया जाएगा, और फिर उसके बाद डस्ट बिछा करके उसको जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। ये देखिए मैं अभी खड़ा हूँ नेबुआ के प्लेटफॉर्म पे, नेबुआ हॉल्ट पे। देखिए इधर मिट्टी का काम चल रहा है और इधर इधर पटरी लगाए जाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं। इधर भी थोड़ा मिट्टी देना बाकी है तो इधर भी लगाए जाएंगे। और ये मेरे पीछे में आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म होगा, जो कि जिसमें उसको अभी काम अभी बहुत बाकी है, फिर भी अभी मिट्टी का काम चल रहा है, मिट्टी देना और बाकी है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये प्लेटफॉर्म होगा, एक तरफ पटरी बिछेगी, एक तरफ प्लेटफॉर्म बनेगा, और दोनों तरफ मिट्टी का काम बचा हुआ है, दोनों तरफ मिट्टी भराई हो रही है। तो यानी बेसिक का अभी काम बहुत बचा हुआ है, मिट्टी का खास करके। तो स्टेशन पर या हॉल्ट पर अभी उतना काम नज़र नहीं आ रहा है जितना रास्ते में काम हो गया है, और चिकना और नेमुआ के बीच में ट्रैक बिछ गया है, पुल बाकी है, पुल पर मालगाड़ी आना बाकी है, और हॉल्ट पर जो है इतना काम बचा हुआ है, जो इसका बेस है वो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुकुंद ठाकुर के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उनका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, क्योंकि ये लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस इलाके की तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।